नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है। आज़ादी के बाद से भारत में चुनाव ने एक लंबा रास्ता तय किया है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उच्च सदन का चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। मैं आपको बता दूं कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 4 सीटों पर किया जाता है, जो कि पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी में, जिसको लेकर के दिग्गज उम्मीदवार अपनी एरी चोटी एक कर दिए हैं। ऐसे ही एक दिग्गज उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं बेगूसराय के, जो कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो आइए उनसे एक खास बातचीत करते हैं। उनके साथ उनके चुनाव प्रभारी भी जी हैं। आइए मैं उनसे मुलाकात कराती हूँ और उनसे खास बातचीत इस चुनाव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सबों का हमारे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर अपना परिचय आप खुद ही दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र नारायण सिंह, मैं पेशे से शिक्षक रहा हूँ, सेवानिवृत्ति में हूँ और अभी हम समाज सेवा में लगे हुए हैं। तत्काल जो अभी परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम आदरणीय रामनंदन सिंह, जो दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मिल्शी का चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं और मतदाताओं के सामने शीश झुका रहे हैं। उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे सुयोग्य स्वच्छ छवि वाले जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति आप सम्मान व्यक्त करें, आप उन्हें आशीर्वाद। जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे परिचय के लिए। जी धन्यवाद। और आपके सर को। जी, आप खुद भी अपने परिचय खुद दर्शकों को दें। मेरा नाम रामनंदन सिंह है जी। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ जी। मैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में साइंटिस्ट था, फिर बरौनी वाई रिफाइनरी में मैं सीनियर इंजीनियर था, फिर पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान विदेश में इंजीनियर था और वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी के कंपनी में, वाई कंपनी में चला गया था। 2013 में मैं अपने जॉब से रिजाइन करके अपने जन्मस्थान बेगूसराय आ गया था और तब से यहाँ एक स्कूल की स्थापना करके इसमें बच्चों को पढ़ाता हूँ साइंस और मैथ, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के संचालन को भी देखता हूँ। तो सर पहला सवाल हमारा आपसे है कि चूंकि आप चुनाव इनके चुनाव के प्रभारी हैं, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि सर इस चुनाव को लेकर के क्या क्या तैयारियाँ कर रखे हैं आपने? बहुत अच्छी तैयारी जी। हमें तो बहुत खुशी होती है जी। जब मैं मतदाताओं से मिलता हूँ और अपने जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में जो बात करता हूँ, परिचित कराता हूँ, तो उन्हें बेहद खुशी होती है और वे हमसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरी तैयारी ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, दोनों तरह की तैयारियां हमने की है। हमने दरभंगा प्रमंडल स्तर पर केंद्रीय समिति बनाई है, उसमें हमारे प्रज्ञावान जो साथी लोग हैं वे शामिल है बड़ी संख्या में। इसके बाद हमने जिला स्तर पर कमेटी बनाई है, जिला से नीचे चले जाइए तो फिर प्रत्येक प्रखंड में हमने समिति बनाई है, उसमें बहुत विज्ञजनों को रखा है। जो मतदाता हैं वो तो हैं ही, कुछ ऐसे हमारे साथी आ गए हैं जो समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, वे भी तत्परता के साथ हमारे साथ हैं और इस चुनाव में को लेकर के बेहद खुश इसलिए हैं कि पिछले दिनों से जो चुनाव में मैदान में लोग आते रहे हैं और जो जिस आशा विश्वास को उन्होंने जगाया था, लेकिन समय आने के बाद उन्होंने हमें निराश किया है, इस बात को लेकर के वे जोश में हैं। ऐसे उम्मीदवार को रामनंदन सिंह जैसे सुयोग्य सरल सुलभ और सच्चरित्र उम्मीदवार को देख करके, जान करके, सुन करके वे बहुत खुश हैं। इसलिए हमारी जो समितियां बन रही है उसमें जुड़ने के लिए लोग और बचाए हुए हैं। हम बड़ी बहुत खुशी होती है हमें, और हमने ब्रांच स्तर तक समिति बना ली है। हम प्रत्येक मतदाता से संपर्क कर रहे हैं, हमारे लोग संपर्क कर रहे हैं, बीच बीच में हम बैठक निर्धारित करते हैं, बहुत लोग उसमें जमा होते हैं। हम बहुत आश्वस्त हैं कि आने वाले दिन
दिनों में हम एक अच्छी सफलता की ओर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल सर। और सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने कहा कि आप टीचिंग के लाइन में थे, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे और आप एक स्कूल भी चला रहे हैं जिसकी आप चेयरमैन हैं, उसके बाद क्या सर लगा आपको, क्या जरूरत पड़ गई जो आप इस चुनाव में गुजरे हैं? बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं ये चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ दरभंगा स्नातक क्षेत्र से। जी बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बदहाल स्थिति में है जी। और लगातार बदहाली की ओर चली ही जा रही है जी। आप जब देखेंगे प्राइमरी से लेकर ऊपर हायर एजुकेशन तक, उच्च शिक्षा तक, हर जगह की स्थिति खराब है। प्राइमरी शिक्षक जितने भी हैं उनसे नॉन टीचिंग जॉब अधिक करवाया जाता है, टॉयलेट गिरने से लेके जनसंख्या गिरने तक, या कोई चुनाव हो जाए पैक्स का या मुखिया का तो उन्हें काउंटर पर बिठा दिया जाता है फॉर्म जमा करने के लिए। शिक्षक का काम होता है बच्चों। तो सर ये जो आपका चुनाव हो रहा है उसमें भी संभवतः शिक्षक की भागीदारी ही होगी, तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? इसमें शिक्षक स्नातक, शिक्षक भी स्नातक होते हैं, अधिकतर शिक्षक आजकल स्नातक ही हैं जी। तो स्नातक हैं और शिक्षक हैं, सभी लोग मिल के इसमें भागीदारी दे रहे हैं। और जो भागीदारी दे रहे हैं वो उनका भी उद्देश्य हमारे उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, वो भी चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो और ये आवाज़ मजबूती के साथ वहाँ तक पहुँचे जहाँ से शिक्षा के नीति का निर्धारण होता है, जहाँ से बजट का एलोकेशन होता है, वो सदन बिहार, विधान परिषद का, बिहार विधानसभा का हो सकता है या देश का राज्यसभा या लोकसभा हो सकता है। तो सभी बुद्धिजीवी, चाहे वो शिक्षक हों या अन्य स्नातक हों, किसी भी क्षेत्र में हों, हर कोई चाहता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाली से निकले और इसमें भी आमूलचूल परिवर्तन हो। सर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अभी जो शिक्षक हमारे हड़ताल पे गए हुए हैं और बैठे हुए हैं कई दिनों से, पिछले कई दिनों से मैट्रिक एग्ज़ाम के पहले से, वो जिस दिन से मैट्रिक एग्ज़ाम से उसी दिन से वो हड़ताल पे गए थे, सर उनके बारे में क्या कहेंगे? बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था जी के सबसे बड़े भुक्तभोगी हमारे शिक्षक हैं जी। और इन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए जी। इसी के लिए आंदोलनरत हैं उन शिक्षकों के लिए जो भी आंदोलन में हैं, हमारा और हमारी टीम के तरफ से पूरा पूरा समर्थन और सहयोग है। और हम आशा करते हैं और साथ ही सरकार से ये गुजारिश भी करते हैं कि अविलंब उनके मांगों की तरफ ध्यान दें और उनका कोई समाधान निकालने की कोशिश करें। सर एक सवाल और है हमारा कि सर अधिकतर जो भी है स्नातक वर्ग के हमारे युवा भी हैं, सब स्नातक कर लिए हैं और मध्यम वर्गीय जो भी हैं सभी के घर में स्नातक एक दो तीन तो सभी रहते हैं, उसके साथ बावजूद भी सर स्नातक करने के बावजूद भी इतनी बेरोजगारी क्यों है सर, इस पे क्या करें? इतने बड़े बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण है यह हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों तक ही सीमित है, सिर्फ एकेडमिक्स तक ही सीमित है। बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें स्कूलों को इंडस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक स्कूल में जो बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। छोटे छोटे जो उद्योग हैं उस तरह की ट्रेनिंग, जैसे TV रिपेयर का ट्रेनिंग, कंप्यूटर असेंबल करने का ट्रेनिंग, लिफाफा बनाने से लेके अन्य जितने भी छोटे छोटे माइक्रो इंडस्ट्री हो सकते हैं जो एक घर में किया जा सकता है, एक रूम में किया जा सकता है, इस तरह के छोटे छोटे माइक्रो इंडस्ट्री आधारित ट्रेनिंग उन बच्चों को दिया जाए जो बच्चे 10th तक में ड्रॉप आउट हो जाते हैं या 12th तक में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जो एकेडमिकली बहुत अच्छा करते हैं बच्चे वो कॉलेज में जाएं, अच्छा करें, उच्च शिक्षा लें जिन्हें उच्च शिक्षा की जरूरत है, जो चाहते हैं कि हम उच्च। तो क्या सर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको ये पद मिलता है तो आप अपने पदभार संभालने के बाद क्या स्नातक के जो भी युवा है उनकी बेरोजगारी को दूर करने में थोड़ा आप सक्षम हो पाएंगे?
निश्चित रूप से हमारे पास एक मॉडल है जी। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था का, वो मॉडल हम लागू करेंगे। स्कूलों में एक ट्रेनिंग सेंटर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ये हमारी शिक्षा नीति के अंतर्गत आनी चाहिए, जहाँ पर हम बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें, उन बच्चों को जो एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इससे बेरोजगारी हमारी कम होगी और उच्च शिक्षा में जो बच्चे जाएंगे उन्हें भी लाभ होगा, वो आगे जाके एकेडमिकली बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो बच्चे छूट गए पढ़ाई से, स्कूल से निकल गए, उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था हो जा सकती है। हमारा आपसे एक ये सवाल है कि आपके सर चुनाव के बाद के जो काम है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल करा रही है और हमारा एजेंडा होगा कि कराती शिक्षा व्यवस्था को हम शिक्षाविदों के हाथ में सौंपें, हम अपने प्रधानाध्यापकों के हाथ में सौंपें, हम अपने प्राचार्यों के हाथ में सौंपें, हम अपने शिक्षकों के हाथ में सौंपें, और जिनकी बंडी वही नचावे यदि होता है तो इसमें इसकी गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा। और हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये काम हमारे प्रत्याशी करेंगे, चूँकि उनका ये दृढ़ संकल्प है। और उनका आगे का संकल्प ये भी है कि जो अभी समान काम समान वेतन का जो सिद्धांत है, जो हमारा संघ जो हमारा संविधान भी कहता है, उसे लागू करना भी इनका परम कर्तव्य होगा। और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में वित्त रहित शिक्षा की जो व्यवस्था कर दी गई है वो तो हमारे लिए कलंक है, उसके लिए तो हमें लड़ाई, बड़ी लड़ाई लड़नी है। और इस व्यवस्था को तोड़ करके हम लोग चाहते हैं कि वो वित्त सहित व्यवस्था हो, बहुत ज़रूरी है। जब सबसे बड़ा नुकसान यदि हुआ है बिहार को, बिहार के वासियों को, तो ऐसी दुख व्यवस्था को लेकर के हुआ, इसलिए हम चाह रहे हैं कि वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था को हटा करके वित्त सहित शिक्षा व्यवस्था लागू की नीति लागू की जाए। और जो हमारे बेरोजगार लोग जो स्नातक कर करके MSc MA MSc कर करके जो बेरोजगार हैं वो तत्कालिक प्रभाव से उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर आपसे भी हमारा एक सवाल है कि जैसे बिहार के चुनाव में देखे जाते हैं अक्सर कि चुनाव जो भी होता है वो जो भी वोटर होते हैं वो क्षेत्रवाद चुनाव करते हैं या फिर जातिवाद चुनाव करते हैं, सर इस बार क्या होगा, सर इस चुनाव में कुछ अलग हटके होगा या फिर? अभी देश की राजनीति और बिहार की राजनीति भी करवट ले रही है, लोगों ने बता दिया है कि अब काम के आधार पर, मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे, और ऐसा पूर्व में भी बिहार में हो चुका है। जब नीतीश कुमार जी उन्होंने विकास का नारा दिया था तो जाति से अलग हटके, धर्म से अलग हटके सब लोगों ने उनका समर्थन किया था। दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से जितने भी लोग वोट करेंगे सभी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, स्नातक हैं, उनके लिए क्षेत्र कोई समस्या नहीं है, वो क्षेत्रवाद से उठ के करेंगे, भाषा से उठ के करेंगे, जाति से उठ के करेंगे सभी लोग। और ये जो क्षेत्र फैला हुआ है गंगा से लेके नेपाल के बॉर्डर तक, इसके जितने भी ग्रेजुएट हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये चुनाव भी बिहार विधान परिषद का यह चुनाव भी मुद्दों पर आधारित हो, किसी जाति भाषा या क्षेत्र पर नहीं। चलिए सर, मैं आशा करती हूँ कि ये चुनाव, जैसे कि आपने बोला कि किसी भाषा क्षेत्र और जाति के आधार पर ना हो, तो मैं अपने वोटरों से, जितने भी वोटर हैं उनसे भी अपील करूंगी कि आप वोट करने जरूर जाएं और आप वोट दें और क्षेत्रवाद से उठ करके, जातिवाद से उठ करके कुछ अलग हटकर कीजिए और वोट कीजिए। और ये थे हमारे साथ रामनंदन सिंह जी, जिन्हें आरएन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, लड़ रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप देखते रहें बेगूसराय टुडे हमेशा से।